अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है एक स्कॉलरशिप के ऊपर और हम डिस्कस करने जा रहे हैं शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो कि अवेलेबल है फॉर बीए स्टूडेंट्स, फॉर एमएस स्टूडेंट्स और फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और फिर इसका एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, आइए देखते हैं। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, अगर आपने शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपको आना पड़ेगा उनकी इस वेबसाइट के ऊपर। इसका लिंक जो है मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा ताकि आप इजीली जब अप्लाई करें तो उसको क्लिक करें और इस पेज के ऊपर आ जाएं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ये एक एप्लीकेशन है। प्रोसेस का जो है बहुत ही सिंपल है। आप जो है वो सिंपल जब इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर कंप्लीट इसकी जो है डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे देखें तो नीचे जितने भी इसके कैप्शंस अवेलेबल हैं वहाँ पे वेरी क्लियर है कि वाई शंघाई, आप शंघाई क्यों आना चाह रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, कोर्सेज की लिस्ट अवेलेबल है, फिर टीचर्स की डिटेल भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और फिर वो जो पासवर्ड स्टूडेंट वहाँ पे हो चुके हैं या जो स्टडी कर रहे हैं शंघाई में, क्योंकि शंघाई इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल जो सिटी है चाइना का, और चाइना की जितनी भी हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी सारी कहाँ पे शंघाई में है। अगर हम आए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे रीजन टू शंघाई में आप क्यों करना चाहें, इसको क्लिक करें तो आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है यहाँ पे अवेलेबल है कि आप यहाँ पे देखें तो अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, जैसे आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन की पेज के ऊपर आप चले जाएंगे। ये अगर हम यहाँ की इसकी डिस्क्रिप्शन में आए तो यहाँ पे वेरी क्लियर मेंशन है कि क्या क्या कवरेज है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितना आपको ये स्पॉन्सर करेंगे वहां जाके। तो यहाँ पे देखिए वेरी क्लियर मेंशन है टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए से बड़ा यहाँ पे यह है कि आपको फुली स्कॉलरशिप जो है ना, अगर आप इस पर अप्लाई करते हो टाइप ए को सिलेक्ट करते हो तो ये फुली स्कॉलरशिप की आप इसके एलिजिबल है तो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। टाइप बी में क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो कोई पार्शियल स्कॉलरशिप की यहाँ पे बात हो रही है। पार्शियल स्कॉलरशिप में बात है कि कुछ चीज़ें आपको खुद कवर करनी पड़ेंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप टाइप ए को ही सिलेक्ट करें, क्योंकि मोस्टली हमारे स्टूडेंट उसी की बेस पे वहाँ पे जाते हैं। और जैसे अब टाइप ए और टाइप बी को अगर आप डिजिट्स की फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सी पैटेक्स वन पे ऊपर आप क्लिक करें तो आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा या इस टेबल के ऊपर ले आएगा। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास टाइप ए और टाइप बी का वेरी क्लियर डिफरेंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखें तो अंडरग्रेड के लिए भी है, मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए भी है। और अगर इन कॉलम की तरफ आ जाए तो टोटल कितनी आपको अमाउंट मिलेगी, ट्यूशन फी क्या होगी, फिर अकोमोडेशन के लिए कितना मिलेगा और लिविंग के लिए क्या एक्सपेंसेस होंगे, मेडिकल इंश्योरेंस कितनी होगी। तो ये सारे का सारा जो है टाइप ए की डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। और आप टाइप बी पे आए तो वहाँ पे आपके पास जो है देखिए यहाँ पे अमाउंट जो है वो यहाँ पे हाफ से भी कम हो जाती है। यहाँ पे यानी कि आपके पास जो है वो 59,200 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 20,800 है। यहाँ पे ट्यूशन फी कवर करेगा और मेडिकल इंश्योरेंस, बाकी अकोमोडेशन का है, लिविंग का है, ठीक है, ये सारे के सारे जो है आपको खुद जो है वहाँ पे बेयर करने पड़ेंगे। तो ये छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान कि आपकी टाइप ए और टाइप बी में किस तरीके से आप उनकी जो है वो स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। अब वापस इसके ऊपर आते हैं दोबारा। तो हमारे पास एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप चाइना का सिटीजन नहीं होना चाहिए। सारी बात है, आप चाइना का सिटीजन तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। और फिर आपकी एज और एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो सारे सारा यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि आपकी एज जो है वो मोर देन 25 ईयर नहीं होनी चाहिए अगर आप बीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और सिमिलरली फॉर अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं 35 ईयर, और आप पीएचडी के अप्लाई करें तो आप मोर देन 40 ईयर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तो मोस्टली जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उसी एज के दरमियान ही अप्लाई हमारे पास करते हैं। और अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास जो है उन्होंने वेरी क्लियर मेंशन किया कि एप्लीकेशन किस बेस पे जो शॉर्टलिस्ट होती है, तो एकेडमिक जो परफॉर्मेंस आपकी वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का मतलब है कि आप अपनी कंट्री से जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहाँ से आप सिंपली जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है अपने कंट्रोल एग्जामिनेशन से स्टार ऑफिस ले सकते हैं। और बाकी तमाम के तमाम क्राइटेरिया को आप मीट करेंगे तब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है इसका, सिंपल आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लेगा ये एप्लीकेशन के स्टेप्स के ऊपर। इसको हम अभी डिस्कस करते हैं लेकिन नीचे हम बाकी जो डिटेल है उसको हम देख लेते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट यहाँ पे क्या है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे सारी सारी यूनिवर्सिटीज़ विद जो है वो डिपार्टमेंट्स सब कुछ यहाँ की वेबसाइट्स अवेलेबल्स हैं। चाइनीज लैंग्वेज में भी है और फिर यूनिवर्सिटी इंग्लिश में भी अवेलेबल है, फिर आगे उनके क्या लिंक्स भी अवेलेबल्स हैं। तो इन लिंक्स को यूज़ करके आप किसी भी जो है वो इनकी जितनी भी शंघाई के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सारी सारी वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे अवेलेबल्स हैं। ये देखिए मोर देन 34 यूनिवर्सिटी यहाँ पे अवेलेबल्स हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो है आप इनकी जो वेब लिंक्स उनके ऊपर आप क्लिक करके जो है जाकर यूनिवर्सिटी की डिटेल देख सकते हैं और वहाँ पे अपना प्रोग्राम को सेलेक्ट करके उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर पीएचडी अगर आपने वहाँ पे उनसे जो है वो अपना रिसर्च प्रपोजल शेयर करना है या वहाँ से आपने वहाँ पे उनका एडमिशन लेटर लेना, तो आप प्रोफेसर से उनकी ईमेल आईडी यहाँ से लेकर और अपने जो डिसिप्लिन वाइज जो है उसके ऊपर वहाँ से आप जो है वो फैच आउट कर सकते हो। क्लासिफिकेशन की बात आप करें, क्लासिफिकेशन कौन है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है कि आपके पास जो है वो दो डिफरेंट क्लासिफिकेशन उन्होंने दी हुई है, इसमें कौन कौन से हमारे पास कोर्सेज होते हैं। तो फर्स्ट में तो हमारे पास सारे वो कोर्सेज जिसमें इकोनॉमिक्स है, लॉ है, एजुकेशन है, लिटरेचर है, हिस्ट्री है, मैनेजमेंट है। जबकि क्लास टू जो हमारे पास है उसमें हमारे पास क्या साइंसेज है, यानी कि इसका मतलब जब साइंसेज का वर्ड आ गया इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफॉर्मेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब के सब मेडिसिन तक, यानी कि आप बीबीएस के लिए भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, आर्ट भी शामिल है इसमें से।
तो ये क्लासिफिकेशन जो ऊपर आपको ये दोनों आ रही हैं उसमें ये क्लासिफिकेशन के लिए उनकी फी थोड़ी सी डिफरेंट है, बहुत ही कम मिन्यूट सा इसको डिफरेंस होगा, तो उसके लिए भी उसने नीचे उसकी डिटेल दे दी है। तो जैसे आपके पास यूनिवर्सिटीज के लिस्ट आ गई तो अब आपने क्लिक करने का अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, तो आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे इसके सिंपल से चार स्टेप हैं। आपने जब आगे इसको लॉगिन करना है, लॉगिन करना है, चूज स्कूल्स एंड टाइप ऑफ स्कॉलरशिप आपने पहले सेलेक्ट करनी है, यहाँ किसी भी एक यूनिवर्सिटी को जो हम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम फोर्डान यूनिवर्सिटी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लान फॉर स्टडी इन चाइना, आप कौन सी स्टडी करना है, मैं कहता हूँ डॉक्टर पे आना चाह रहा हूँ, तो डॉक्टर को सेलेक्ट कर ले यहाँ पे, चूज टाइप ऑफ स्कॉलरशिप आप ए और बी टाइप। आप देखें डॉक्टर स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे सर प्लान कौन सा अवेलेबल है, ए क्लास अवेलेबल है, बी नहीं यहाँ पे है, हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप नेक्स्ट जाएंगे तो ये आपका ये फॉर्म उसी तरीके से पहले हमारे फॉर्म होते थे, इस तरीके से आपने क्या करना, स्टेप टू पे आना तो आपने एप्लीकेशन अपने यहाँ पे फिल करनी है, अपने नाम की बाकी सारी डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। फिर आपने आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं आपके पास, जो आपकी जितनी भी प्रीवियस डिग्रीज हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी होगी, ठीक है। और फिर लास्ट में आपने क्या करना, कन्फर्म कर देना सबमिशन के लिए, तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे क्या आ जाएगी, सबमिट हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसको वन स्टेप इसको आप फॉलो करें। अब हम आए थे फैक्स के ऊपर, फैक्स क्या, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है यहाँ पे, कौन कौन से क्वेश्चन जो आप रेज कर सकते हैं, जिसके आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, ये स्टे इन चाइना के ऊपर हो सकते हैं। फर्स्ट क्या जी, फाइव स्टेप गाइडलाइंस है कि चाइना में आप जाएं तो फाइव स्टेप आपको कौन से याद रखने हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसके नीचे आप इन क्वेश्चन को गौर से देख ले तो आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी है, कोविड से रिलेटेड कौन सी चीजें आपने वहाँ पे लेके जानी है, कौन कौन से आपको टेस्ट चाहिए होंगे, फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो जब वहाँ पे जाएंगे तो चाइना में किस तरीके से उसकी स्टडी कंप्लीट होगी, वो सारी यहाँ पे डिटेल्स की अवेलेबल है। तो ये तमाम जो है वो यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड जो डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो फाइव स्टेप्स हैं वो कौन से अपने माइंड में रखने हैं। तो ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस जो है पेज पे आ जाएंगे। फर्स्ट क्या, प्लान योर स्टडी, जाहिर बात है कि आपको आपका डिपार्टमेंट पता होना चाहिए, डिसिप्लिन पता है, जहाँ पे आप प्लान कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी आपने टारगेट करनी है। सेकंड क्या जी, आप इस यूनिवर्सिटी के ऊपर अप्लाई कर देना है कि आप हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो लेना चाहें उसका फॉर्म फिल करें जो हमने पीछे आपको दिखाया है। देन यू हैव टू गो फॉर दी वीजा एप्लीकेशन, आपने वीजा के लिए अप्लाई करना है और आपके लिए जो वहाँ पे आपने एक्सेप्टेंस लेटर जो लिया होगा यूनिवर्सिटी से वो आपने यहाँ पे उसको आगे उसके वीजा एप्लीकेशन में वो आपने शो करना होगा। और लास्ट पे आपने बिफोर डिपार्चर जो है आपने अपनी जितने भी एप्लीकेशन जो आपने सबमिट किया उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए और फिर आपने अपनी जो है वो चाइना जाने के लिए आप रेडी हैं। आफ्टर अराइवल जैसे आप चाइना आ जाते हैं तो फिर आपने वहाँ जाकर आपने क्या करनी है, स्टेशन यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करनी। जैसे हम आप किसी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले क्या हमारा आई डी कार्ड बनता है, स्टेशन होती है, तो वही प्रोसेस आपने फर्स्ट स्टेप उस पर करना पड़ेगा। ये सिंपल सा प्रोसीजर है, फाइव स्टेप वे है, इसमें आप किसी भी स्कॉलरशिप में जब अप्लाई करते हो तो यही चाइना में जाकर आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। और शंघाई स्कॉलरशिप के लिए भी आपके पास यही ऑप्शन है जो पीछे जो 34 यूनिवर्सिटीज थी। और फिर अगर फर्दर क्वेश्चन की बात करें तो ये इंटरनेशनल जो है वो जितने भी स्टूडेंट उनके लिए जो है ना यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि आपका प्रोसीजर क्या, किसी जो है वो अंडरग्रेजुएट डिग्री में लेने के लिए स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट आपको क्या चाहिए होगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि आपने जो है कौन सी जो है वो डॉक्यूमेंट इंग्लिश के आपको चाहिए होंगे। जैसे मैंने पहले कहा था हाउ कैन अप्लाई फॉर द इंग्लिश ग्रेजुएट सर्टिफिकेट डिप्लोमा ट्रांसक्रिप्ट, तो नीचे उसके सारे यहाँ पे ये डिटेल अवेलेबल्स है, ठीक है। तो ये उन्होंने डे तक दिया हुआ है कि आप ट्यूजडे से लेकर फ्राइडे तक वहाँ पे अप्लाई कर सकते, उससे आपको ये मिल जाएगा। फिर वैन आई कैन गेट माई ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, यानी कि आप डिग्री के बाद की जो चीज़ें सारे सारे यहाँ पे वो भी अवेलेबल्स हैं। वीजा में कोई प्रॉब्लम है उसके क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे चेकलिस्ट अवेलेबल है, इनमें से आप कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं आपके वहाँ पे सैलरी से रिलेटेड है, आपकी अकोमोडेशन से रिलेटेड है, वो सारे यहाँ पे आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो इन आप फैक्ट्स को फॉलो करते हुए अगर आपकी एप्लीकेशन को प्रॉब्लम है तो आप यहाँ के उसको सर्च आउट कर सकते हो। अब इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद और ये तमाम स्टेप को जानने के बाद और एप्लीकेशन के प्रोसीजर को देखने के बाद, जैसे कि बहुत ही सिंपल सा इसका एप्लीकेशन का प्रोसीजर है, अब मैं ये सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आपके और चाइना के दरमियान जो है सिर्फ अगर कोई चीज़ है इस टाइम तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपका इनिशिएटिव लेना और एप्लीकेशन को फिल करना। गुड लक विद योर स्टडी इन चाइना एंड गुड लक विद योर रिसर्च एज वेल।